नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 News। TV20 News पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि लखीमपुर की खीरी घटना भाजपा सरकार के पतन का कारण बनेगी। जिले में पिछले 20 दिनों से जल जमाव से अगर प्रशासन ने नहीं दूर कराया तो मुबारकपुर की तरह आजमगढ़ में डायरिया का प्रकोप फैल जाएगा। उन्होंने नगरवासियों को आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद नगर के बाईपास मार्ग की सभी सड़कें 4 लेन में तब्दील की जाएंगी, जिससे कि जाम से मुक्ति मिलेगी। नगर के हर्रा की चुंगी पर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव की बेटी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना के निंदनीय है, लेकिन उसके बाद सरकार ने लोकतंत्र का गला घोट रही है। विपक्षी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही घटना भाजपा के पतन का कारण बनेगी और वर्ष 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि नगर क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से जल जमाव है। नगर के कई दर्जन मोहल्लों में बरसात का पानी लगा हुआ है। अगर प्रशासन नहीं चेता तो दूषित पानी से मुबारकपुर की तरह आजमगढ़ में भी डायरिया का प्रकोप अधिक हो जाएगा। उन्होंने दावा किया कि सपा मुखिया और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव ने नगर में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए 1.5 माह पहले ही जल निकासी के लिए 3 बड़े ट्यूबवेल लगवाने के लिए धन दिया था, लेकिन प्रशासन ने उसे लगाने में देरी कर दी। पूर्व मंत्री ने कहा, शहर को जाम की समस्याओं से मुक्ति लाने के लिए वे नगर क्षेत्र के सभी बाईपास मार्ग 4 लेन में तब्दील करेंगे। स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपका समाचार से किसी के आंख खुले। सरकार आज बाढ़ की परिस्थितियां इतनी खराब हैं, कोल पांडे कोल बहादुर में ये स्थिति हो गई है कि घरों में पानी चला गया, सांप जा रहे हैं। 18 दिन से लाइन, जब से पानी जमा लाइन नहीं है, ये सरकार ने कोई लाइन की व्यवस्था नहीं किया, न कोई दवा छिड़काव किया। जो मुबारकपुर में घटना हो गई दूषित पानी पीने से, वही हाल यहाँ भी हो सकती है अगर सरकार अगर अधिकारी प्रशासन इस पर सजग नहीं होंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। तो माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे नेता जी ने ये पानी निकालने के लिए दो तीन बड़े बड़े पंप, जितना भी पंप हो, उन्होंने पैसा कहा, उन्होंने लिख के दे दिया है कि मेरे निधि से 1.5 महीना पहले पैसा आ गया कि वहाँ पंप लगा करके हम उस मोहल्लों को पानी निकाल करके बाहर किया जाए, नदी में किया जाए। तो इन्होंने क्या किया है, आज गांव डूब रहे हैं, फसल बर्बाद हो गई। गांव में चले जाइए, मकान गिर रहा है, सभी लोग गरीब फोन कर रहे हैं, हम लोग जाके मौका देख रहे हैं। आइए लेखपाल कोई जांच करने नहीं जा रहा है। मैंने SDM से कई बार कहा कि आप जांच करवा दीजिए। तो इस तरह की अनेक समस्याएं इनकी हैं। घोषणा करेंगे, देखिए चुनाव आ रहा, घोषणा करेंगे। हम लोग जो कहते हैं, समाजवादी कहते हैं, वो पूरा करते हैं। मैंने कह दिया है पिछले, बाद में कहा, आपकी पिन कर रहा हूँ कि आपके बवाली मोड़ से लेकर के बंधा जो भी जा रहा है, भवरनाथ होते हुए आपके गुनेनगंज बाजार होते हुए निकल रहा है मैठोली बाईपास, उसको 4 लेन कराने का काम करूंगा सपा की सरकार आने के बाद। और चंडेसर से कमरिया जो रोड PGI को जोड़ती है, उसको भी 4 लेन कराऊंगा। जो PGI जो मेडिकल कॉलेज के जहां से भी रोड मिलेगी, मैं सब 4 लेन कराने का काम करूंगा। चाहे आपके रानी के सराय से जो कोइलारी रोड जाता है, उस रोड सनवारा हो करके दाऊदपुर होते हुए साग खजुरा हो करके आपके जाके PGI जाता है, उसको भी मैं 4 लेन से जोड़ने का काम करूंगा, ताकि वहां पर लोगों को आने जाने की सुविधा हो सके। मंत्री जी, एक मामला और चल रहा है, जो शहर में लाइटें लगाई गई थी वो लाइटें उतारी जा रही नगर पालिका द्वारा। हाँ, हमको भी जानकारी हुई, ये नरौली का पुल का लाइट उतार ली गई।